ओम शांति। रक्षाबंधन के शुभ पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रतिवर्ष रक्षाबंधन का ये त्यौहार हम सावन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी पर सेलिब्रेट करते हैं। सभी सेलिब्रेट करते हैं ना? यूँ तो इस त्यौहार को हम केवल भाई और बहन के पवित्र रिश्ते को मजबूत करने के रूप से मनाते हैं, परंतु सोचने का विषय ये है कि भारत देश में जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं उनका कहीं ना कहीं संबंध उस परमपिता परमात्मा के साथ होता है। और परमात्मा तो केवल एक रिश्ते के लिए नहीं, अभी तो सर्व मनुष्य आत्माओं के कल्याण अर्थ हर कार्य करते हैं। तो इस त्यौहार के मायने भी एक सीमित दायरे तक नहीं है। इस त्यौहार का अर्थ बहुत 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 व्यापक है और इसको समझने के लिए ही आज हम सभी एकत्रित हुए हैं। रक्षाबंधन के त्यौहार को सभी पुण्य प्रदायक पर्व के रूप में भी मनाते हैं, अर्थात ये त्यौहार हमें बहुत बड़ा पुण्य प्रदान करता है। इस त्यौहार को हम विष तोड़क पर्व के रूप में भी मनाते हैं, अर्थात इस त्यौहार से विष को तोड़ा जा सकता है। विष अर्थात विषय विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, बहुत सारी नेगेटिविटीज आज हम सभी के जीवन में हैं, उन सबको खत्म करने का यह त्यौहार है। इसलिए रक्षाबंधन को पवित्रता का, सद्भावना का, प्रेम का सूचक माना जाता है। अभी हम समझते हैं कि इस त्यौहार का व्यापक अर्थ क्या है। यदि हम व्यवहारिक तौर पर इस त्यौहार के अर्थ को समझें तो क्या ये सदा पॉसिबल है कि एक बहन अपने भाई की रक्षा करे? क्योंकि अक्सर हम ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं ना कि बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती है और फिर भाई अपनी बहन को उसकी रक्षा का वचन देता है ना? बचपन में जब हम ऐसे लिखा करते थे तो यही लिखा करते थे ना कि रक्षाबंधन इसलिए मनाया जाता है। परंतु सदा तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमेशा हर घर में भाई अपनी बहन से बड़ा हो वो तो संभव नहीं है। और क्या जिस बहन का भाई नहीं है उनकी रक्षा नहीं होती? और प्रैक्टिकली देखा जाए तो हर एक कन्या का शादी से पूर्व उसके पिताजी उसकी रक्षा करते हैं, ऐसा ही होता है ना? और शादी के उपरांत उसका पति रक्षा करता है ना? तो ऐसे में इस त्योहार के जो मायने हैं वो कुछ परिवर्तित से फील होते हैं। और वैसे भी आज की दुनिया में हम देखते हैं कि अक्सर बहन और भाई एक घर में तो नहीं होते, तो जब बहन को जरूरत होती है तो भाई हमेशा है ना उसके लिए सामने आ जाए वो तो संभव नहीं है। अक्सर डिफरेंट स्टेट्स में होते हैं, अलग अलग कंट्रीज में भी होते हैं, तो ऐसे में बहन को जब जरूरत पड़ती है तो भाई तो आ नहीं सकता। यदि प्राचीन काल की ओर नजर दौड़ाएं तो सदा से ही बहन भाई को ये रक्षा सूत्र नहीं बांधते थे। पहले ब्राह्मण अपने यजमानों के पास जाते थे और उन्हें ये रक्षा सूत्र बांधते थे और यजमान उसके बदले में उन्हें दक्षिणा प्रदान करते थे, है ना? और वैसे भी देखा जाए तो प्राचीन काल के अंदर श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राम, श्री सीता को एक साथ गद्दी पर विराजमान दिखाते हैं और हमेशा स्त्रियों को रक्षा की जरूरत पड़ती थी ऐसा भी देखने में नहीं आता, क्योंकि आज भी जब भक्तों को रक्षा की जरूरत पड़ती है तो वो देवी माँ को पुकारते हैं, काली को पुकारते हैं, दुर्गा को पुकारते हैं, है ना? जब विद्या की जरूरत होती है तो सरस्वती माँ की आराधना करते हैं, जब धन की आवश्यकता होती है तो फिर श्री लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। तो नारी सदा से ही अबला रही ऐसा मानना तो पॉसिबल ही नहीं है, है ना? और लक्ष्मी नारायण जब गद्दी पर बैठते थे तो इससे ये भी पता चलता है कि प्राचीन काल में यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी लोग एक समान थे और
सभी लोग सुरक्षित भी थे और उस समय मेल और फीमेल को एक दर्जा दिया जाता था। किसी को ज़्यादा शक्तिशाली और किसी को कमज़ोर ऐसा नहीं माना जाता था। यदि इस त्यौहार को और गहराई से समझें तो इसके पीछे बहुत सारी कथाएं भी हैं, आज आपके साथ वो भी हम शेयर करते हैं। माना जाता है कि प्राचीन काल में राजा बलि ने इंद्र का सारा राजकाज छीन लिया था। उन्होंने बहुत दफ़ा उनसे युद्ध की और हर बार हार गए थे। तब इंद्राणी ने इंद्र को रक्षा सूत्र बांधा था और उसके बाद इंद्र को अपना खोया हुआ राज्य फिर से मिल गया था। तो ये रक्षा का दायरा केवल भाई और बहनों तक सीमित नहीं है, पत्नी भी पति को रक्षा सूत्र बांध सकती है और उसकी रक्षा करवा सकती है। साथ ही एक और स्टोरी सामने आती है कि एक बारी यम और यमुना दोनों भाई बहन माने जाते हैं, यमुना नदी, तो यम अपनी बहन यमुना से मिलने धरती लोक पर आए। तब यमुना ने अपने भ्राता को यानी यमराज को ये रक्षा सूत्र बांधा था और तब यम ने अपनी बहन को ये वचन दिया था कि जो भी भाई और बहन इस त्यौहार को मनाएंगे तो उस बहन का भाई जो है यम की यातनाओं से छूट जाएगा। और देखा जाए तो इस संसार में ऐसा तो कोई भाई नहीं है जो इस यातना से छूट गया हो, परंतु इन सभी कहानियों के पीछे बहुत सारे गहरे राज समाए हैं, बहुत सा आध्यात्मिक अर्थ समाया है जिसे समझने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जब हम बात करते हैं इंद्र और इंद्राणी की, तो इंद्र यानी जिसका अपनी इंद्रियों पर, कर्म इंद्रियों पर संपूर्ण नियंत्रण हो, तो हम मनुष्य आत्माओं का भी आदिकाल में अपनी कर्म इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण था, जिसे कहते हैं कि हम स्वराज्य अधिकारी थे। हमारा हमारी इन स्थूल कर्म इंद्रियों पर यानी हमारे आँखों पर, मुख पर, कानों पर, हाथों पर, पैरों पर पूर्ण नियंत्रण था और हमारे मन पर, बुद्धि पर, संस्कारों पर भी नियंत्रण था। परंतु फिर क्या हुआ, जिसे कहा कि इंद्र ने अपना राज्य खो दिया। कैसे? दैत्यों के कारण, राजा बलि के कारण। तो इस समय जब माया, जिसे हम पांच विकार भी कहते हैं, बलवान है, चारों तरफ नेगेटिविटीज छाई हुई है और जिसका मूल कारण है बॉडी कॉन्शियसनेस, जिसे हम देहभान कहते हैं, देहाभिमान कहते हैं, तो जब देहभान आत्मा पर हावी हो जाता है, जब ये आसुरियता धीरे धीरे आत्मा पर हावी हो जाती है, तो उसका स्वराज्य छिन जाता है। यानी हमारा हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, नेगेटिविटीज के वशीभूत होकर हम कर्म करने लग जाते हैं, क्रोधवश, लोभवश काम करने लगते हैं। और तब परमपिता परमात्मा हमें ये रक्षा सूत्र बांधते हैं। सूत्र का अर्थ होता है प्रतिज्ञा, यानी हमसे ये प्रतिज्ञा करवाते हैं कि हम अपने जीवन में पवित्रता को धारण करेंगे। तो ये रक्षा सूत्र है पवित्रता का सूत्र। जब हम अपने से ये दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं कि हम न केवल तन से, मन से, धन से, संबंध और संपर्क से भी, स्मृतियों और वृत्तियों से भी पवित्र रहेंगे, तब उस पवित्रता के, उस सूत्र के कारण यानी उस प्रतिज्ञा के कारण हमारी अपवित्रता से रक्षा हो जाती है। यानी जब हम पवित्रता को अपने जीवन में धारण करते हैं तो सब तरह की नेगेटिविटीज हमारे जीवन से धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। तो जरूरत है कि हम अपने जीवन में ये प्रतिज्ञा करें और उस प्रतिज्ञा को कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसमें भाई और बहन की बात नहीं है, ये मनुष्य आत्माओं की बात है। जब आत्मा परमपिता परमात्मा से ये प्रतिज्ञा करती है कि मैं अपने जीवन में इस पवित्रता को धारण करूंगी, तो स्वतः ही परमात्मा उनकी हर नेगेटिविटी से, हर विकार से रक्षा करता है। वहीं पर जब हम दिखाते हैं यम और यमुना, तो यम यानी यमराज, जिसे काल का देवता माना जाता है,
तो कालों का काल महाकाल तो हम खुद भगवान को कहते हैं ना। और हर एक मनुष्य आत्मा की मृत्यु तो निश्चित है ही, परंतु मृत्यु के समय यातनाएं ना हो, उससे हम बच सकते हैं अगर हम परमात्मा से ये सूत्र बंधवाते हैं, यानी ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम पवित्र रहते हैं। वास्तव में हमारे जीवन में जितनी भी यातनाएं हैं, जो भी दुख हैं, कलह है, कलेश है, परेशानियां हैं, उसका मूल कारण हमारे भीतर की ये कमी और कमजोरियां ही तो हैं। और जब हम प्योरिटी की प्रतिज्ञा करते हैं तो इसका मतलब हम अपने जीवन में कमियों को निकाल कर पॉजिटिविटी, सकारात्मकता को इनवाइट करते हैं कि हम अपने जीवन के अंदर सुख को, शांति को, आनंद को, प्रेम को स्थान देंगे, जो हमारा निजी गुण भी है। अवगुणों को दूर भगाएंगे और इस प्रॉमिस को करने के लिए जो विधि है वही है जो हम रक्षाबंधन के त्यौहार पर मनाते हैं। यानी सबसे पहले जब हम रक्षाबंधन का त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं तो क्या करते हैं, बहन अपने भाई को तिलक लगाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम आत्मिक स्मृति का तिलक दें, खुद को भी दें। स्थूल रूप में तिलक भले लगाएं, परंतु सूक्ष्म रूप में अपनी सोल कॉन्शियस आत्मिक स्वरूप में ज़रूर स्थित हो जाएं। तो जब हम अपने को आत्मा समझते हैं तो आत्मा के निजी गुण, निजी शक्तियाँ है ना, अपने आप ही उजागर होने लगती हैं, इमर्ज होने लगते हैं। और उस स्वरूप में स्थित होकर जब हम परमात्मा को याद करते हैं और ये दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहूंगी, ये रक्षा सूत्र बांधते हैं, बंधवाते हैं परमात्मा से, तो फिर इसे कहते हैं कनेक्शन, इसे कहते हैं रिलेशन। ये सूत्र वास्तविकता में परमात्मा के साथ हमारा बंधन, जिसे हम कहते हैं ना, जब हम आरती करते हैं तो क्या कहते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तो जब हम परम पिता परमात्मा को सच में अपना भाई मानते हैं तभी तो वो हमारी रक्षा करते हैं। वैसे भी लाइफ में जब भी हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसी को ही तो पुकारते हैं, कहते हैं ना, हे भगवान हमारी रक्षा करो, हमारे दुख हरो, हमें सुख दो, हमें शांति दो। तो हमारा दुख हरता, सुख करता एक परमपिता परमात्मा ही तो है। तो इसीलिए वास्तव में हम सब की, तन की, मन की और धन की रक्षा करने वाला वो एक परमात्मा ही है, जिसके साथ जब हम ये बंधन बांधते हैं, उसके साथ सर्व संबंध निभाते हैं, सच में उसको अपना मात पिता बंधु सखा मानते हैं, तो परमात्मा हमारी हर तरह से रक्षा करते हैं। और इसीलिए रक्षाबंधन के त्यौहार पर हम इस दफ़ा न केवल आत्मिक स्थिति में स्थित होकर उस परमात्मा से प्रतिज्ञा करेंगे, अभी तो उनसे वो वरदान भी प्राप्त करेंगे। और देखा जाता है कि इस दिन भाई अपनी बहनों को गिफ्ट्स भी देते हैं, है ना, इसका इंतज़ार सभी को होता है। तो फिर हम अपने परमपिता परमात्मा को क्या देने वाले हैं, परमात्मा क्या मांगते हैं? तो हम अक्सर सभी को कहते हैं कि यदि आप कुछ देना भी चाहते हैं तो परमात्मा को 5 खोटे सिक्के दे दो। कौन से हैं वो 5 खोटे सिक्के? वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इसके अलावा यदि कुछ और नेगेटिव चीज़ जो आपको दुख देती हो वो आप परमात्मा को देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, परंतु इसके बदले में भगवान आपको बहुत सारे गिफ्ट देंगे। इनफैक्ट आपके जीवन में आपको लिफ्ट करा देंगे, क्योंकि जब भी हम नेगेटिविटीज देते हैं भगवान को, तो जब जिंदगी से नकारात्मकता निकलती है, अस्वच्छता निकलती है, तो स्वच्छता का आगमन होता है, सकारात्मकता का आगमन होता है। और सकारात्मकता के अंदर सुख भी होता है, शांति भी होती है, आनंद भी होता है, प्रेम भी होता है, क्योंकि वास्तविकता में सुख और शांति की जननी पवित्रता को ही माना जाता है। तो इस बारी रक्षाबंधन पर हम अपने जीवन में सदाकाल का सुख और शांति लेकर आएंगे, ताकि यदि संबंधों में कहीं ना कहीं कोई कड़वाहट भी है तो हमारे आंतरिक ये जो प्योरिटी आ गई है, मन, वचन, कर्म जब पवित्र हो जाता है,
एक दूसरे के प्रति भावनाएं परिवर्तित हो जाती हैं, तो भावनाएं भी शुद्ध होने लगती हैं। हम एक दूसरे के प्रति जो मैल है उसको जल्दी से जल्दी खत्म कर देते हैं और आपस में प्यार बढ़ जाता है। तो बहुत ज़रूरत है कि केवल हम इसको स्थूल रूप से ना मनाएं, अभी तो सूक्ष्म अर्थ को समझें और केवल कुछ देहधारियों के साथ या कुछ रिश्ते और नातों के साथ इस त्यौहार को सेलिब्रेट ना करें, परंतु उस परमात्मा के साथ ये सेलिब्रेट करें। इसलिए हम देखते हैं कई बारी हमारी माताएं बहनें सबसे पहले राखी अपने इष्ट देव के सामने, भगवान के सामने रखती हैं, क्योंकि सबसे पहला संबंध हम सभी का उस परमात्मा के साथ ही है। तो इस त्यौहार के वास्तविक मायने को हम सभी समझते हैं। चलिए 2 मिनट के लिए हम सच्चे अर्थ में इस रक्षाबंधन को सूक्ष्म रीति मनाते हैं। तो 5 मिनट, 2 मिनट, जितना भी टाइम आपको रक्षाबंधन के दिन मिले, इस छोटी सी मेडिटेशन को ज़रूर कीजिएगा, जिसे हम अपने मन के अंदर की अपवित्रता को खत्म करें, परमात्मा से पवित्रता का प्रॉमिस लें और आत्मिक स्मृति में स्थित होकर अपने जीवन से हर नकारात्मकता को खत्म करके परमात्मा से वरदान प्राप्त करें। तो चलिए बैठते हैं, थोड़ी देर के लिए संपूर्ण बॉडी को रिलैक्स करें, महसूस करें कि मेरे बेहद का भाई, मेरा बंधु, परम पिता परमात्मा, सर्वशक्तिमान, ज्योति बिंदु बिल्कुल मेरे सामने है, जो सदाकाल की रक्षा के लिए मेरे साथ सर्व संबंधों से बंधा हुआ है। महसूस करें इस अविनाशी संबंध को, और भ्रुकुटी के मध्य अपनी स्वस्थिति में स्थित हो जाएं। ये तिलक स्वराज्य का तिलक है, ये तिलक विजय का तिलक है। महसूस करें इस श्रेष्ठ तिलक को, जो खुद भगवान ने मुझे दिया है, और मन ही मन उस परमात्मा से ये प्रतिज्ञा करें कि आज से मैं पवित्रता को तन मन धन से पूर्ण रीति अपने जीवन में अपनाऊंगी। फील करें जिसे खुद भगवान सर्व विकारों से रक्षा के लिए मुझे शक्ति, शांति, प्रेम, सुख की किरणें प्रदान कर रहे हैं, ताकि मेरे अंतर की सब नकारात्मकता समाप्त हो जाए। फील करते जाएं इन ईश्वरीय वरदानों को। आज मैं अपने अंतर की हर कमी कमजोरी को दिल से आपको भेंट करती हूँ, अर्पित कर दें सच्चे दिल से, और सत्यम शिवम सुंदरम का प्यार वरदान सुख प्राप्त करते जाएं। फील करें संपूर्ण प्राप्तियों से परिपूर्ण
अपनी आंतरिक स्थिति को, जिससे न केवल मुख अपितु मन भी मीठा हो गया है। ओम शांति। तो इस रक्षाबंधन पर हम सभी उस परमपिता परमात्मा से प्रॉमिस भी करेंगे, और फिर जैसे आपस में एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं ना, तो इस बारी मिठाई तो खिलाना, तो जैसे बोला कि मन को भी मीठा करना, अपने मन की हर कटुता को, हर मैलेपन को निकाल देना, फिर देखेंगे हमारा आपसी संबंध तो मीठा होगा ही, परंतु उस ईश्वर के साथ हमारा ये गहरा संबंध हमें अनेक प्राप्तियां भी कराएगा। तो एक बार फिर आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत 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 बधाई। ओम शांति।